हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू लेक्चर ऑफ फिजिकल। चलिए आज लेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है ग्रीन आईटी। क्या पढ़ने वाले अपन? ग्रीन आईटी। तो अब आप बताइए ग्रीन आईटी से क्या समझते हैं? बहुत सिंपल टॉपिक है, आप सब डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, आपको पता है क्या होता है ग्रीन आईटी। सर ग्रीन आईटी मतलब बड़ा सिंपल है, इको फ्रेंडली वे में ऑपरेट करना है। हम हमारे सिस्टम्स को जो यूज कर रहे हैं जैसे भी पॉसिबल है हमें बेस्ट पॉसिबल मैनर में करना है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है और इको फ्रेंडली वे में ऑपरेट करना है। समझना सर, जब हम सिस्टम्स को यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने से लेके जो सिस्टम जब रन करता है तो उसकी प्रोसेसिंग से लेके फाइनली उसके डिस्पोजल तक, मतलब एक सिस्टम की लाइफ साइकिल में बहुत सारी चीजें होती है। देखो कौन कौन सी होती है, सिस्टम को बनाना, सिस्टम को रन करना और सिस्टम को डिस्पोज ऑफ करना। तीन एक्टिविटी बताई, क्या बताई? सिस्टम को बनाना, सिस्टम को रन करना और सिस्टम को डिस्पोज ऑफ करना। सारी चीजें इको फ्रेंडली मैनर में होनी चाहिए। कौन बोलता है? ग्रीन आईटी बोलता है। से फॉर एग्जांपल सर, अगर मैं सिस्टम बना रहा हूं तो मैं ऐसे सिस्टम, ऐसे मटेरियल्स यूज करूंगा जो बायोडिग्रेडेबल हो। क्या हो? बायोडिग्रेडेबल हो। जब वो प्रोसेसिंग करेगा तो मेरे को ऐसे प्रोसेसर्स यूज करने जो एनर्जी एफिशिएंट हो, जो ज्यादा आपकी एनर्जी कंज्यूम नहीं करे, और जब डिस्पोज ऑफ कर रहा हो तो जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन है, नियम है, कायदे है, कानून है, उनके हिसाब से क्या होना चाहिए? डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। कौन बोल रहा है सर? ग्रीन आईटी। तो आप देखो, आप खुद मुझे एग्जांपल्स दो ग्रीन आईटी के, क्या क्या होंगे? आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिकल आजकल अप्लायंसेस आते हैं जिन पे 5 स्टार रेटिंग होती है। यस, तो हमेशा 5 स्टार रेटिंग के प्रोडक्ट खरीदो। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं सर? इको फ्रेंडली होते हैं। रीजन, वो एनर्जी कम कंज्यूम करते हैं। जो चीज मैं बोल रहा हूं पता चल रहा है सर? गो फॉर वर्चुअलाइजेशन। क्यों वर्चुअलाइजेशन सर? आप एक ही सिस्टम में बहुत सारी चीजें रन कर सकते हो जिससे डिफरेंट सर्वर्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सेव करोगे सर, एनर्जी की जो कॉस्ट आ रही है वो क्या करोगे? सेव करोगे। जितने कम सर्वर्स रन करोगे उतनी कम एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ेगी। जो चीज बोल रहा हूं पता चल रहा है? तो ये सब किसके एग्जांपल्स है? ग्रीन आईटी के। ऑफिस में अगर कंप्यूटर्स यूज कर रहे हो, सपोज इफ यू गोइंग ऑन अ लंच ब्रेक, तो मेक श्योर दैट आप अपने कंप्यूटर्स को क्या करो? शट डाउन करो। प्रिंटर्स को तभी ऑन करो जब उनकी क्या हो? जरूरत हो। जो चीज बोल रहा हूं पता चल रहा है? हो सके उतना कम्युनिकेशन ईमेल्स के थ्रू करो, पेपर कम से कम जनरेट करो। यस, पेपर्स अगर लिख भी रहे हो, जनरेट भी कर रहे हो, तो मेक श्योर पेपर का प्रॉपर यूज हो, मार्जिन्स कम रखो, फॉन्ट साइज ज्यादा बड़ी नहीं रखो, स्मॉल रखो। तो ये बेसिक चीजें हैं जिससे आप क्या कर लेते हो? ग्रीन आईटी प्रमोट कर लेते हो। आई होप मैंने आपका पूरा कंसेप्ट समझ क्लियर कर दिया होगा, आप समझ गए होंगे। पढ़ना शुरू करेंगे ग्रीन आईटी एवरीवन ऑन पेज नंबर 8.31। सब किस पे आ रहे? पेज नंबर 8.31, दैट इज योर ग्रीन आईटी। चलिए पढ़ते पार्ट 5 ग्रीन आईटी। इट इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ एस्टैब्लिशिंग पब्लिक यूजिंग कंप्यूटर एंड आईटी रिसोर्सेज इन अ मोर एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर। हाईलाइट कर लेना यूजिंग कंप्यूटर एंड आईटी रिसोर्सेज, हाईलाइट करना यूजिंग कंप्यूटर एंड आईटी रिसोर्सेज इन एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर। कंफर्टेबल एवरीवन? पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, कंप्यूटर्स कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपको पता है कंप्यूटर बहुत रिसोर्सेज लेते हैं, राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल नीडेड टू मैन्युफैक्चर देम टू द पावर नीडेड टू रन देम एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्पोजिंग देम एट द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल। मतलब जब भी कंप्यूटर्स की बात करता हूं उसकी 3 स्टेजेस आ गई, एक उसको बनाना, एक उसको रन करना और एक उसको डिस्पोज ऑफ करना। ग्रीन आईटी बोलता है तीनों ऐसे होना चाहिए जिससे आप एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर में ऑपरेट कर सको। बनाओ तो रॉ मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल यूज करो ताकि फाइनली आप उसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर सको। सेकंड, जब रन करो तो प्रोसेसेस ऐसे यूज करो जो एनर्जी एफिशिएंट हो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ग्रीन कंप्यूटिंग इज एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ कंप्यूटर्स। हाईलाइट करना एनवायरमेंटली यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड रिसोर्सेज एंड इंक्लूड्स प्रैक्टिसेस सच एज। आपको क्या करना है? ऐसी प्रैक्टिसेस यूज करनी है जिसमें आपको क्या करना है? एनर्जी एफिशिएंट सीपीयू यूज करना है। हाईलाइट कर लेना एनर्जी एफिशिएंट सीपीयू यूज करेंगे। हमारे जो रिसोर्सेज का कंजम्पशन है वो क्या होना चाहिए? कम से कम। अब रिसोर्स क्या हो गया सर? से फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी सर, उसका कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए। और जब भी सर कंप्यूटर्स को डिस्पोज ऑफ करे तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। देखिए जब नोकिया के फोन आते थे, याद करो,
आप उसके रिटेल आउटलेट में जाते थे तो एक रिसाइकल बिन होता था। क्या होता था? रिसाइकल बिन होता था। उसमें बोलते थे बैटरीज को ऐसे ही कहीं भी डिस्पोज ऑफ मत करो, इस रिसाइकल बिन में डालो, हम इसे क्या करेंगे, प्रॉपरली रिसाइकल करेंगे। आज आप देखोगे ग्रीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में कैसे करें। आजकल प्लास्टिक्स के लिए क्या आ गई, प्लास्टिक की वेंडिंग मशीन्स आ गई, प्लास्टिक की बॉटल्स को आप उन मशीन्स में डालिए, गवर्नमेंट उसे प्रॉपरली क्या करेगी, रिसाइकल करेगी। कहने का मतलब क्या है, एट द एंड चीजों को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है जिससे एनवायरमेंट पॉल्यूट ना हो। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन आईटी इज टू रिड्यूस द यूज ऑफ हजार्डस मटेरियल। सर हजार्डस मटेरियल यूज होना नहीं चाहिए, मैक्सिमाइज एनर्जी एफिशिएंसी, जो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी वो मैक्सिमम होनी चाहिए, प्रमोट रिसाइकलेबिलिटी और बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ डिफंक्ट प्रोडक्ट्स एंड फैक्ट्री वेस्ट। जो अब आप यूज नहीं करने वाले हो उन्हें प्रॉपरली क्या करो, आप डिस्पोज ऑफ करो। तो देखो एक ही चीज को बार बार रिपीट करें, आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल दिया, स्टडी ऑफ ग्रीन आईटी। मतलब देखो फर्स्ट पॉइंट जो है ना उसके लेफ्ट में क्या लिख सकते हो, ग्रीन आईटी स्टडीज लिख दो, ग्रीन आईटी का क्या लिख दो, स्टडी। सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट के वहां पे लिख दो हाउ ग्रीन आईटी वर्क्स। आर यू विद मी, हाउ ग्रीन आईटी वर्क्स, कैसे वर्क करता है सर, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ कंप्यूटर्स होना चाहिए जिसमें आप ये चीज करोगे। तो मैं मार्किंग करा रहा हूँ, फर्स्ट के लेफ्ट में लिख दिया स्टडी, सेकंड एंड थर्ड के वहां पे लिख दिया हाउ ग्रीन आईटी वर्क्स, थर्ड के लेफ्ट में लिख दिया ऑब्जेक्टिव एंड फोर्थ के उसमें लिख देंगे अपन ग्रीन आईटी के स्टेप्स। यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ग्रीन आईटी की प्रैक्टिसेस, यू कैन राइट बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट, थोड़े एग्जांपल्स बेस्ट प्रैक्टिसेस के। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है, मेनी आईटी वेंडर्स, ये हो क्या हो गई आपके ग्रीन आईटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, चार मैंने कैसे बताया, फर्स्ट टू पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट के वहां पे लिख देना लेफ्ट में स्टडी, सेकंड एंड थर्ड के वहां पे आ जाएगा हाउ इट वर्क्स, फोर्थ पॉइंट के वहां पे लिख दोगे ऑब्जेक्टिव एंड फिफ्थ पॉइंट के वहां पे अपन क्या लिख देंगे, एग्जांपल और बेस्ट प्रैक्टिसेस, सम की बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये लिख सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट, आते नीचे क्या लिखा हुआ है, मेनी आईटी वेंडर्स हैव टेकन मेजर इनिशिएटिव्स टू ग्रीन देयर प्रोडक्ट्स सर्विसेज लाइक, सबसे पहले बिल्डिंग कंप्यूटर्स विद मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली मटेरियल। आपको ऐसे कंप्यूटर्स बनाने जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली मटेरियल से हो, डिजाइनिंग देम टू कंज्यूम लेस एनर्जी, वो एनर्जी को कम कंज्यूम करना चाहिए, रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करो, वर्चुअलाइजेशन यूज करो, टिप्स दो जिससे आप कैसे ग्रीन आईटी को प्रमोट कर सकते हो। सब आपको पता है, बहुत सिंपल था। और इसके साथ मैंने आपका क्या कंप्लीट किया है, पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। सब फटाफट एक बार इंट्रोडक्शन लर्न कर लो, क्योंकि ग्रीन आईटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से क्या होना चाहिए, पढ़ लेना है। चलो पढ़ना शुरू करो, फिर लेता हूं आगे। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप सब कंफर्टेबल है, चलते आगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ग्रीन कंप्यूटिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस, और आपको देखो बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलेगी। उस पेज पे मिला है डेवलप अ सस्टेनेबल कंप्यूटिंग प्लान, ये पहली बेस्ट प्रैक्टिस है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है। नेक्स्ट पेज पे आओगे तो आपको मिलेगा रिसाइकल, मेक एनवायरमेंटली साउंड परचेज ऑफ डिसीजंस, रिड्यूस पेपर कंजम्पशन, कंजर्व एनर्जी। सो एक्चुअली पांच बेस्ट प्रैक्टिसेस मेन हेडिंग्स दी हुई है। कितनी मेन हेडिंग्स दी हुई है, पांच मेन हेडिंग्स दी हुई है। ये पांचों मेन हेडिंग्स को अपन को पढ़ना है और उसके अंदर के पॉइंट समझने, इनमें से कोई भी क्वेश्चन एक हिडन क्वेश्चन की तरह पूछ सकते हैं। तो समझ लेना अच्छे से कैसे मैं बता रहा हूं, कैसे लेके जा रहा हूं। यस, तो अपन लास्ट से पढ़ना शुरू करते हैं, फर्स्ट से नहीं जाएंगे। सो कम ऑन पेज नंबर 8.32 में आप लास्ट में देखोगे तो आपको मेन हेडिंग मिलेगी कंजर्व एनर्जी। सब आ जाएंगे मेरे साथ पेज नंबर 8.32 पे, और उसमें लास्ट में आपको मिलेगा कंजर्व एनर्जी, जिसके अंदर अराउंड 8 पॉइंट से, अराउंड कितने पॉइंट से, 8 पॉइंट से, एटलीस्ट 6 पॉइंट तो अपन को क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो चलो पढ़ लेते, आपको सबको पता है कैसे करना है, इजी है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, यूज एलसीडी इंस्टेड ऑफ सीआरटी। सर एलसीडी क्या करते हैं, कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो क्या यूज करो, एलसीडी यूज करो इंस्टेड ऑफ CRT। आपको पता है पहले मॉनिटर्स दो टाइप के आते थे, LCD अभी फ्लैट हो गए हैं, CRT बड़े आते थे जो मॉनिटर्स। यस, सेकंड पॉइंट, यूज नोटबुक कंप्यूटर्स देन रादर देन डेस्कटॉप कंप्यूटर। सर नोटबुक आप यूज करते हो तो उसमें बैटरी भी आप यूज कर सकते हो, आपको पूरे टाइम पावर के साथ कनेक्टेड रहने की जरूरत नहीं है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोला, यूज पावर मैनेजमेंट फीचर्स टू टर्न ऑफ द डिस्प्ले आफ्टर सेवरल मिनट्स ऑफ इनएक्टिविटी। सपोज अगर आप से फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन में आपने ये फीचर देखा होगा, अगर आप मोबाइल फोन यूज नहीं कर रहे हो तो आफ्टर से फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स वो अपने आप क्या कर लेता है, स्क्रीन को लॉक कर लेता है और स्लीप मोड में चला जाता है, तो वही फंडा है इसका भी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, पावर डाउन द CPU एंड ऑल पेरिफेरल्स ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, सपोज आप लंच के लिए जा रहे हो, 1 से 2 के बीच में लंच के लिए जा रहे हो, आप इनएक्टिव हो तब आप सिस्टम को यूज नहीं,
कर रहे हो तो उसे पावर ऑफ करके जाना। बहुत इजी पॉइंट्स हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। पहले चार पॉइंट्स हैं, पहले वो अच्छे से पढ़ लेना और लर्न कर लेना, फिर आगे की मैं जो दो तीन पॉइंट्स और बताता हूं वो पढ़ लेना, खत्म हो जाएगा ये पॉइंट। यस, चलो एक बार फटाफट चारों पॉइंट पढ़ लो। चलिए, आई होप पहले चार पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे। अब डायरेक्टली तो पॉइंट नंबर 6, 7 and 8। 6 पॉइंट क्या बोल रहा है, पावर अप एंड पावर डाउन एनर्जी इंटेंसिव पेरिफेरल्स सच एज लेजर प्रिंटर्स। अब देखो, आप लेजर प्रिंटर यूज करते हो, अगर उसकी जरूरत हो तो ही यूज करो, नहीं है तो क्या करो, उसे ऑफ रखो। सिंपल पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। अगर हो सके तो सोलार एनर्जी को यूज करो और उससे क्या करो, आपकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है वो जनरेट करो। एंड लास्ट पॉइंट क्या है सर, एक जगह से दूसरी जगह मीटिंग करने खुद फिजिकली मत जाओ, जो पेट्रोल उसे वेस्ट मत करो। क्या करो सर, सिंपल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जाओ, जिससे आप एनर्जी क्या कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। तो बड़े सिंपल मैंने 7 पॉइंट कवर करा दिए कंजर्व एनर्जी के, एटलीस्ट 6 पॉइंट तो आपको याद हो जाने चाहिए। यस, क्विकली रिकॉल कर लो क्या क्या पॉइंट थे। एलसीडी इंस्टेड ऑफ सीआरटी, नोटबुक्स इंस्टेड ऑफ डेस्कटॉप्स। सर अगर सिस्टम्स का यूज नहीं तो उसे हम शट डाउन करेंगे, अगर एनर्जी इंटेंसिव पेरिफेरल्स का यूज नहीं तो उन्हें भी शट डाउन रखेंगे, लाइक प्रिंटर्स, जो चीज बोल रहा हूँ पता चल रहा है। सर गो फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लाइक क्या हो गया, सोलार एनर्जी। एंड इंस्टेड ऑफ फिजिकली कमिटिंग, यस, एक जगह से दूसरी जगह जाने की जगह आपको क्या करना चाहिए सर, सिंपल सी चीज है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को यूज करो, जिससे आप क्या कर सकते हो, जो पेट्रोल है उसे सेव कर सकते हो। गेटिंग इन पॉइंट, कॉस्ट सेव कर सकते हो, एनर्जी सेव कर सकते हो। फटाफट 2 मिनट देता हूं, पूरा कंजर्व एनर्जी याद कर लेना, कुछ बचना नहीं चाहिए। फिर अपन जाएंगे ऊपर नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज रिड्यूस पेपर कंजम्पशन। शुरू करो पढ़ना। चलिए, आई होप आप सब कंफर्टेबल होंगे। नेक्स्ट लेते हैं अपन रिड्यूस पेपर कंजम्पशन। बड़ा सिंपल है सर, ईमेल यूज करो इंस्टेड ऑफ फिजिकली पेपर पे लिख के कोई चीज सेंड करने की जगह, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेंजेस का आपने ऑप्शन यूज किया होगा, फीचर यूज किया होगा। उसमें क्या होता है सर, आप डायरेक्टली अगर कोई चेंजेस करना चाहते तो उस पर रेड लाइन आती जाएगी जहां पे चेंज करना है, और उसके ऊपर जो आपको जो चेंज करना है वो सेंटेंस आता जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से पहले आप क्या करते हो, पहले क्या करते थे, पेपर पे चीजें लिखते थे, फिर कट करते थे, फिर वापस से नई चीज लिखते थे जहां भी अपन को चेंजेस करने की जरूरत थी। अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ट्रैक चेंजेस का फीचर देता है। जिसे नहीं पता सर्च कर लेना, आपको वर्ड पे मिल जाएगा, बहुत ईजी कंसेप्ट है। यस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, यूज ऑनलाइन मार्केटिंग। आज के टाइम में आप पेपर मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, एवरीवन इज ऑन इंटरनेट, जितना हो सके आप क्या करो, ऑनलाइन मार्केटिंग करो। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर आप प्रिंटिंग कर रहे हो सर तो दोनों पेजेस को, दोनों साइड्स यूज करो एक पेज की, फॉन्ट्स को स्मॉल रखो सर, मार्जिन कम से कम छोड़ो। और इसके साथ क्या खत्म हो रहा है, रिड्यूस पेपर कंजम्पशन। बहुत इजी टॉपिक है, फटाफट पढ़ लो। देखो मैं बता रहा हूँ बच्चों, इससे इजी आपको ग्रीन आईडी इसी टॉपिक कोई मिलेगा नहीं, आपको फटाफट बस कंसेप्ट समझ के लर्न करते जाना है। यस, शुरू करो लर्न करना और रिड्यूस पेपर कंजम्पशन। फिर लेते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेक एनवायरमेंटली साउंड परचेस डिसीजंस। फटाफट लो पढ़ लो, खत्म करो। यस, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है आपके पास में, मेक एनवायरमेंटली साउंड परचेज डिसीजन। अब आप देखो, आप खुद वो ले ही रहे हो, आपको पता है। से फॉर एग्जाम्पल, मैंने एसी का बोला था 3 स्टार और 5 स्टार। सर 5 स्टार क्यों, एनर्जी कम कंज्यूम करेगा। आजकल तो कार्स में भी आप ये देखते हो, इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड कार्स आ गई जो एवरेज ज्यादा देती है। तो आप पेट्रोल के लिए जाओगे या उनके लिए जा रहे हो, सर उनके लिए जा रहे, क्यों, एवरेज ज्यादा मिल रही है। सर एक ऐसा सिस्टम है जिसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर सकते, और एक है जिसे इतना इजिली, वो इको फ्रेंडली नहीं, उसे इतना इजिली डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। किसके लिए जाओगे, जो इको फ्रेंडली है। एक सिस्टम है से फॉर एग्जाम्पल जिसकी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा है, एक सिस्टम है वही फीचर्स के साथ लेकिन बैटरी लाइफ कम है, किसके लिए जाओगे, जिसकी बैटरी लाइफ ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज खरीदने जाओ तो एनवायरमेंट को जरूर कंसीडर करना, एनवायरमेंट फ्रेंडली आपका डिसीजन होना चाहिए। चलिए पढ़ लेते हैं, मेक एनवायरमेंटली साउंड परचेस डिसीजंस। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है सर, परचेज ऑफ डेस्कटॉप्स कंप्यूटर्स नोटबुक्स एंड मॉनिटर्स मस्ट बी बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स। कोई भी चीज खरीदने जाओ तो ध्यान रखना एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स के हिसाब से खरीदना। से फॉर एग्जाम्पल जिसका प्रोसेसर ज्यादा एफिशिएंट हो, कम बैटरी कंज्यूम करता हो, उसके लिए जाओ। जहां पे आपको बैटरी लाइफ ज्यादा मिलेगा उस फोन के लिए जाओ। समझ में आ रहा है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट,
प्रोवाइड अ क्लियर कंसिस्टेंट सेट ऑफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया फॉर डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। जब भी सर आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो या प्रोडक्ट बनवा रहे हो तो मेक श्योर आप क्लियरली बता दो कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए। सपोज आपने बोला कि अगर मेरा सिस्टम हो बन रहा है तो उसकी कम से कम बैटरी लाइफ इतनी तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर कोई मैन्युफैक्चरर ऐसी चीज प्रोड्यूस कराए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो तो उसे रिकॉग्नाइज करो। कैसे सर, उसके प्रोडक्ट्स खरीद कर। एक एसी है जो एनवायरमेंट एफिशिएंट है, से फॉर एग्जांपल वाटर कूलिंग टेक्नोलॉजी पे आया जिससे एनर्जी बहुत कम कंज्यूम हो रही है, और एक ट्रेडिशनल एसी चलते जा रहे, तो वो परचेज करो जो कम आपका एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। उससे क्या होगा, जो एफर्ट है मैन्युफैक्चर के उसे आप क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे। और लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है सर, यूज सर्वर एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन सर आपका एक ही सर्वर है, उसी में आप डिफरेंट पार्ट्स कर दो जिससे डिफरेंट चीजें आप एक ही सर्वर में स्टोर कर सको। मोर ओवर आप डिफरेंट एप्लीकेशन भी बिकॉज ऑफ वर्चुअलाइजेशन क्या कर सकते हो, एक ही सर्वर में रन कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने वर्चुअलाइजेशन में बताई थी, जिसमें बताया था एक सर्वर है उसके मैंने डिफरेंट लॉजिकल पार्ट्स कर दिए, डिफरेंट एप्लीकेशंस रन कर रहा हूं, तो डिफरेंट सर्वर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल। और इसके साथ क्या खत्म किया मैंने, मेक एनवायरमेंटली साउंड परचेस डिसीजन। चलिए क्विकली आप पढ़ लीजिए, फिर अपन लेते नेक्स्ट टॉपिक। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पेज नंबर 8.32 पे। ऊपर आपको मिलेगा रिसाइकल फाइनल पॉइंट, एक इस पेज का फाइनल पॉइंट है, पढ़ लेते हैं समझते क्या लिखा है। रिसाइकल सर, डिस्पोज ऑफ द ई वेस्ट अकॉर्डिंग टू द लोकल स्टेट रेगुलेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कार्ड द यूज ऑफ यूजर अनवांटेड इक्विपमेंट्स इन एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे। सर प्रॉपरली क्या करो, डिस्पोज ऑफ करो। मैन्युफैक्चरर्स को बोलते हैं कि भाई ऑफर करो, क्या ऑफर करो, एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स। मतलब क्या हुआ, नोकिया आपको ऑफर कर रहा था, अगर अब आप फोन यूज नहीं कर रहे हो तो उसे कहीं भी डंप मत करो, हमारे यहां लेके आओ, हम उसे प्रॉपरली क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे। मतलब मैन्युफैक्चरर को ये सर्विस ऑफर करनी चाहिए, और अगर वो ऑफर कर रहा है तो कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को वो सर्विसेज को अवेल करना चाहिए। मतलब फिर आपको फोन कहीं भी डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहिए, नोकिया के सर्विस सेंटर में जाके उसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। दैट्स लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, रिसाइकल कंप्यूटर्स थ्रू मैन्युफैक्चरर्स रिसाइकलिंग सर्विसेज। आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल। पूरा सिंपल था रिसाइकल, फटाफट ये पूरा का पूरा पेज अच्छे से लर्न कर लो, पेज नंबर 8.32 पे। फिर अपन लेते हैं जो लास्ट पॉइंट आपको मिलेगा 8.31 पे, जो अपना एक प्रैक्टिस बचा हुआ है, और वो क्या है, डेवलप अ सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान। मतलब समझ लेना, ग्रीन आईटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ी, चार की कंसेप्ट प्रैक्टिसेस के पढ़ लिए, लेकिन ये सारी प्रैक्टिसेस को अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो एक प्लान को होना जरूरी। तो लास्ट एक प्रैक्टिस क्या है, डेवलप करना एक प्लान। यस, तो पहले मैं चाहूंगा कि आप पॉज करना वीडियो, पूरा 8.32 पेज ऐसे से रिवाइज कर लो, फिर मैं ये पढ़ाने वाला हूं, और उसे क्या करना, मेरे साथ प्रिपेयर करना, शुरू करो एक बार रिवाइज करना। चलिए, आई होप आप सबने रिवाइज कर लिया होगा। लेते हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज डेवलपिंग अ ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान। क्या बोल रहे हैं फर्स्ट पॉइंट सर, कोई भी अच्छा ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान बना रहे हो तो बनाने के पहले सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर लो। सब साथ में मिलके जब कोई प्लान तैयार करेंगे, अपने एफर्ट्स देंगे, तो एक बन के बहुत अच्छा प्लान आपके सामने आएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट, लेकिन ये प्लान बना क्यों रहे, टू प्रमोट ग्रीन आई टी, टू प्रमोट वॉट ग्रीन आई टी। तो चलिए पढ़ते फर्स्ट पॉइंट, Involve stakeholders. Circle the word involve and stakeholders. अच्छे से हाईलाइट कर लो, क्यों इन्वॉल्व करना चाहते हैं, टू इंक्लूड रिसाइकलिंग पॉलिसीज, रिकमेंडेशन फॉर डिस्पोजल ऑफ यूज इक्विपमेंट्स, गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशन फॉर परचेसिंग ग्रीन कंप्यूटिंग इक्विपमेंट इन पॉलिसीज एंड प्लान्स। पॉइंट इज व्हाट सर, जब भी पॉलिसीज एंड प्लान्स बन रहे हैं, बनाते टाइम किसे इन्वॉल्व करो, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करो। तो देखो हाईलाइट किया आपने इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स, अंदर तो आप अपने हिसाब से लिख देना, और उसमें लास्ट लाइन में मिलेगा इन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्लान्स, मतलब उसे भी सर्कल कर दो, इन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्लान्स। जब भी ग्रीन आईटी से रिलेटेड पॉलिसीज और प्लान्स बनते हैं तो सर स्टेक होल्डर्स को तो जरूर इन्वॉल्व करना ही चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंडली, अब आप अपने आईटी कम्युनिटी को, मतलब जो आईटी सेक्टर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, जो आईटी डिपार्टमेंट है बेसिकली, उसे एनकरेज करो कि वो इको फ्रेंडली वे में ऑपरेट करे। उसे बोलो कि भाई वर्चुअलाइजेशन यूज करो, उसे बोलो कि भाई ग्रिड कंप्यूटिंग ले जाओ, अगर इतना इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं तो गो फॉर, अगर आपको लगता हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाएगा तो गो फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब उन्हें एनकरेज करना है कि वो क्या करे, ग्रीन आईटी को प्रमोट करे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एनकरेज
आईटी कम्युनिटी फॉर यूजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस के नीचे लिख दो एग्जांपल वर्चुअलाइजेशन एंड एनकरेज देम टू कंसीडर ग्रीन कंपेयरिंग प्रैक्टिसेस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो फर्स्ट पॉइंट में बोला लोगों को इन्वॉल्व करो पॉलिसीज में, सेकंड में बोला जो आईटी डिपार्टमेंट है मोटिवेट करो ग्रीन आईटी के लिए. गेटिंग माय पॉइंट? अब जब सब ग्रीन आईटी की तरफ वर्क करते हैं तो समझो रिजल्ट्स आने शुरू होंगे. क्या होंगे? रिजल्ट्स आने शुरू होंगे. रिजल्ट्स बहुत सारे सेंसेस में मिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पावर कंजम्पशन क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है. जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सबको कम्युनिकेट करो ताकि सब मोटिवेटेड फील करें कि हाँ हमारे एफर्ट्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन गेन कर रही है, रिजल्ट सामने दिख रहे हैं. दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट. क्या बोल रहे हैं? ऑनगोइंग कम्युनिकेशन सर्कल द वर्ड ऑनगोइंग कम्युनिकेशन अबाउट एंड कैंपस कमिटमेंट टू ग्रीन आईटी बेस्ट प्रैक्टिसेस. क्या तीन पॉइंट समझ में आ गए अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया है. नेक्स्ट पॉइंट तो सिंपल पॉइंट है जो आज अभी तक अपन ने लास्ट नेक्स्ट पेज पे जो सारे पॉइंट्स पढ़े ना, समझना चार कैटेगरी पड़ी थी: कंजर्व एनर्जी, रिड्यूस पेपर, एनवायरमेंटली फ्रेंडली साउंड परचेज डिसीजन, वो सब का क्या हो गया? एक समरी हो गया पॉइंट नंबर 4 and 5. देखो क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर 4: इंक्लूड पावर यूसेज, रिडक्शन ऑफ पेपर कंजम्पशन, रिडम्पशन ऑफ रिकमेंडेशन फॉर न्यू इक्विपमेंट्स, रिसाइकलिंग ओल्ड मशीन्स इन पॉलिसीज एंड प्लान्स. मतलब पॉलिसीज और प्लान्स में ये चीज़ों का ध्यान रखना. ये चीज़ें कुछ नहीं, आप एक काम करना, जो भी नेक्स्ट पेज पे सारी हेडिंग्स पढ़िए वो सबको पॉलिसीज और प्लान्स में इंक्लूड कर लेना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉलिसीज एंड प्लान्स शुड कवर पॉइंट्स रिलेटिंग टू व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रिड्यूस पेपर कंजम्पशन, एनवायरमेंटली फ्रेंडली साउंड परचेज डिसीजन, तो वो सही चीज़ें आप लिख के आ सकते हो. मैं बता रहा हूँ कैसे याद करना है. और लास्ट पॉइंट तो क्या बोल रहा है? यूज क्लाउड कंपनिंग. मैंने आपको बताया था गो फॉर क्लाउड कंपनिंग, ग्रिड कंपनिंग एंड वर्चुअलाइजेशन. और इसके साथ मैंने क्या खत्म किया? डेवलप अ ग्रीन का आई टी सस्टेनेबल प्लान, कंपनिंग प्लान अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. द मेन पॉइंट इज 5.1 इज ग्रीन कंपनिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस. उसके नीचे आपको एक एरो मिल रहा है, दैट इज सम ऑफ सच स्टेप्स आर. और स्टेप्स कितने सर? 5 दिए गए. पहला हो गया सस्टेनेबल ग्रीन आईटी का प्लान, सेकंड हो गया रिसाइकल, थर्ड हो गया एनवायरमेंटली साउंड परचेज डिसीजंस, फोर्थ हो गया पेपर कंजम्पशन को रिड्यूस करो, एंड फिफ्थ इज कंजर्व एनर्जी. सब के सब पॉइंट्स अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. और नेक्स्ट पेज पे अगर आते हो 8.33 पे तो आपको मिलेगा ग्रीन आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज एंड चैलेंजेस. तो इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रीन आईटी की सिक्योरिटी सर्विसेज लेनी चाहिए जिससे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीन आईटी को प्रमोट कर सके और बेस्ट पॉसिबल वे में उसे ग्रीन आईटी को प्रमोट करना चाहिए. राइट? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रिपेयर ग्रीन आईटी थरली. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. कोई दिक्कत नहीं आएगी, ईजी भी है और स्कोरिंग भी है. तो चलिए कंप्लीट कर लीजिए. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.